राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से समाज और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक द्वारा 60 वर्षीय वृद्धा की हत्या के बाद शव से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। गुरुवार को वृद्धा का शव उसके घर में पड़ा मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतका के देवर ने बताया कि आरोपी युवक पहले भी वृद्धा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ कर चुका था। आरोप है कि गांव के ही निवासी 19 वर्षीय युवक ने वृद्धा को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और जब आरोपी अपने प्रयास में नाकाम रहा तो वृद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी पर हत्या के बाद शव से बलात्कार करने का भी आरोप मृतका के देवर ने लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मृतका के देवर की शिकायत पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वृद्धा के घर युवक का पहले से ही आना जाना था। युवक मृतका को बुआ कहकर बुलाता था। घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में बताया गया। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले पति की मौत होने के बाद से ही मृतका घर में अकेली रहती थी। गुरुवार को उसका शव घर में पड़ा होने की सूचना मिली थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि वृद्धा के साथ हत्या से पहले बलात्कार किया गया था या हत्या के बाद। लेकिन जिस तरह की वारदात राजस्थान की पीलीबंगा थाना क्षेत्र से सामने आई है, ये वाकई रिश्तों और समाज को शर्मसार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।